सोच रहे हैं महिलाओं को एक झुंझुना पकड़ा दूं। अब आप विशेष सत्र बुलाते हैं, पर उस विशेष सत्र में जो आप बिल पास करते हैं महिला आरक्षण का, वो 16 साल तक आप उसका क्रियान्वयन ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ मोदी जी ने 2 शर्त लगा दी हैं। पहले कह रहे हैं कि जनगणना होगी 2026 के बाद, यानी जनगणना में 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन, उसमें अब फिर 3-4 साल लगेंगे, तो ये जाके और उसके बाद हाउस जब डिसॉल्व होगा तब ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो आप तो 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो आप 2039 का वादा कैसे कर रहे हैं मोदी जी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि जिन महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है, जो महिला भी हैं पिछड़े वर्ग की भी हैं, उन महिलाओं की आवाज़ को सशक्त कैसे करेंगे अगर आप उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे इस रिजर्वेशन के भीतर? ये सवाल राहुल गांधी जी बार बार उठा रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप जनगणना के साथ जोड़ रहे हैं, जनगणना करना चाहते हैं, तो आप जातिगत गणना कीजिए ना, तो पता चलेगा कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितनी महिलाएं दलित हैं, कितनी महिलाएं पिछड़े वर्ग से आती हैं, क्या संख्या है उनकी। इसके बिना नीति निर्धारण कैसे हो सकता है? तो केवल जैसे 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ऐसे तमाम जुमले जो मोदी जी सुनाते आए हैं, उन जुमलों की श्रेणी में ये महिला आरक्षण भी एक और जुमला बन गया है। जो 2010 में कांग्रेस पार्टी बिल लाई थी उसमें कोई शर्त नहीं थी। अगर वो लोकसभा में मोदी जी अगर वो लोकसभा में उस साल पारित हो जाता तो उसी बार अगली बार से ही अगले चुनाव से ही उसका फ़ायदा महिलाओं को मिल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी जब बिना शर्तों के समर्थन देने को तैयार है, तब मोदी जी बच रहे हैं, क्योंकि असल में मोदी जी भी उसी विचारधारा से आते हैं जो घोर महिला विरोधी है, जो संघ की विचारधारा है, जिसकी विचारधारा भाजपा की महिला मंत्रियों तक के मुँह को सिल देती हैं, जुबान को सिल देती हैं। जब कठुआ कांड होता है, जब हाथरस कांड होता है, जब अंकिता भंडारी की हत्या की जाती है उत्तराखंड में, और मैं बताना चाहती हूँ कि महिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी की चुप हो गई, अंकिता भंडारी पे कोई नहीं बोला, पर हमारी महिला कांग्रेस की ज्योति रौतेला जो है उन्होंने अपने केश उतार दिए सरकार के साथ विरोध करते हुए। तो ये फर्क है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर दी, पहली महिला गवर्नर और मुख्यमंत्री दी, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है जो आरक्षण के नाम पर महिलाओं के विश्वास का घात कर रही है। देखिए, आज महिला आरक्षण पर बात है, मैं उसको डिविएट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आवे फल होए। तो हम जैसा कि अलायंस बढ़िया इंडिया बढ़िया चल रही है और उसी के खौफ से ये इंडिया भारत इनका मिसफायर हुआ, बैकफायर हुआ, और ये महिला आरक्षण लेकर आई, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक इनकी जो रहती है वो भी कहीं ना कहीं इस बात का पर्दाफाश करती है कि हमारा जो अलायंस है उसके कारण मोदी जी की रातों की नींद उड़ी हुई है, और बाकी जो भी सीट शेयरिंग होनी है, किसके साथ कितनी होनी है, वो तो चुनाव से पहले करना ही पड़ेगा ना, अगर अलायंस है तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा इंतजार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।